सो गाइस, कैसे हो तुम लोग? आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम अ टाइकून इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 50। तो चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक कागज देखने को मिलता है जिस पर लिखा होता है इनिट मार्शल आर्टिस्ट या वॉरियर। एंड ये जो इस पर्चा है ये शियाओचू के दद्दू का होता है। एंड इस पर्चे को देखकर जो शूफेई होता है वो सोचता है, मुझे लगता है कि मुझे एक और चीज पर यहाँ अच्छे से ध्यान देना होगा। एंड जो शूफेई था उस वक्त शियाओचू के दद्दू को देख रहा था, क्योंकि ये उन्हीं की इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो शियाओचू के दद्दू है वो इनिट मार्शल आर्टिस्ट है, मतलब ऐसा अभी लगता है अभी की सिचुएशन में। एंड जो शूफेई है वो शेंगन के बारे में सोच रहा था कि मैं इस चीज के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, ये कोई भी इनिट मार्शल आर्टिस्ट, ये चीज मैं शेंगन से इस बारे में पूछूंगा कि वो इस बारे में क्या कुछ जानती है कि ये इनिट मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है। उसके बाद शियाओचू का दद्दू शूफेई के पास आकर बोलता है कि तुम्हारा नाम शूफेई है ना, मेरी जो प्यारी पोती है वो तुम्हें काफी पसंद करती है, लेकिन तुम मेरी ये बात जरूर से याद रखना कि भले से ही तुमने उस गिनसेंग को देखकर मेरी जान बचाई हो, लेकिन मेरी नजरों में तुम उस गावयांग से बिल्कुल भी अलग नहीं हो। शूफेई भी उस दद्दू की सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद शियाओचू का दद्दू बोलता है, देखो मैं यहाँ पर तुमसे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं चाहता। उसके बाद शियाओचू का दद्दू अपनी छड़ी को जमीन पर पटकता है एंड वो बोलता है, देखिए आज इस मौके पर जब सभी लोग यहाँ पर हैं तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं धीरे धीरे काफी बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरा जो वक्त है वो भी काफी तेजी से यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, इसी वजह से मैं अपने जीते जी अपनी पोती की शादी अच्छे से देखना चाहता हूँ और मैं ही उसकी शादी तय करूंगा। उसके बाद वो दद्दू बोलने लगता है कि मेरी पोती शियाओचू की एंगेजमेंट उस छोटे भद्दे लड़के से होगी जिसका नाम शूफेई है। एंड हम देखते हैं शूफेई, शियाओचू की माँ, शियाओचू के पापा, ये सभी बातें यहाँ बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एंड उसके बाद हमें बैकग्राउंड में से शियाओचू के दद्दू की आवाज आती है, वो बोलते हैं कि इनके एंगेजमेंट एक महीने में होगी। उनकी ये बात सुनकर ना वहाँ पर पूरे हॉल में कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। उसके बाद जो शूफेई होता है वो चिल्लाता है कि ग्रैंडपा शिया आप ये क्या बोल रहे हैं। एंड दूसरी तरफ जो शियाओचू के दद्दू होते हैं वो शूफेई की तरफ तरह खतरनाक नजरों से देखते हैं और उससे बोलते हैं कि देखो बेटे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। शियाओचू के दद्दू की ये बात सुनकर जो शूफेई होता है वो वहाँ पर एक गहरी सांस लेता है। एंड उसके बाद हमारा शूफेई भी थोड़ा अत्यधिक अंदाज में बोलता है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सीनियर सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखूंगा और जिंदगी भर उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। सो तभी जो शियाओचू का दद्दू होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफ तुझे क्या लगता है हा? ये बुढ़ा तुझसे ये सुनना चाहता है हा? मुझे लगता है कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा आईक्यू है ना उसे मेरी पोती शियाओचू ने खा लिया है। और ये बात सुनकर जो शूफेई होता है वो भी यहाँ पर काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद शियाओचू के दद्दू शूफेई की तरफ बड़े गुस्से से घूरते हैं और बोलते हैं कि मुझे आखिर समझ में नहीं आता कि मेरी पोती शियाओचू तुम्हें ऐसा क्या देखती है जो वो तुम्हें इतना पसंद करती है। सो तभी जो शियाओचू होती है वो वहीं पर चिल्लाती है कि ग्रैंडपा आखिर आप इस तरह की बातें सभी के सामने कैसे ही बोल सकते हो हाँ। सो अगले मोमेंट में हम शियाओचू के दद्दू को देखते हैं जो वहां पर बिल्कुल पिघल जाते हैं और अपनी पोती को मनाने लगते हैं कि उप्स क्या हुआ मेरी प्यारी पोती, तुम्हारे दद्दू ने कुछ गलत बोल दिया, प्लीज गुस्सा मत करो, अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना तो जो ग्रैंडपा है वो तुम्हें अपनी व्हील चेयर पर बैठने देंगे और तुम वहाँ पर अच्छे से खेल सकती हो, क्यों ना तुम ग्रैंडपा की पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलो। हम देखते हैं अभी भी जो शियाओचू होती है वो अपने ग्रैंडपा की तरफ से मुंह फुलाए हुए हैं और जो शूफेई देखता है वो ग्रैंडपा की ऐसी हालत देखकर बेचारा पसीने पसीने होते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आपके अंदर थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है या फिर। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दद्दू को देखते हैं। दद्दू थोड़ा खांसते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाते हैं और बोलते हैं, बच्चे आखिर तुम मेरी तरफ इस तरीके से क्यों घूर रहे थे हाँ, मैं तो बस अपनी पोती को यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहा था। सो शूफेई दद्दू की तरफ देखता है और सोचता है कि सच में आप अपनी पोती को मनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद दद्दू अपनी छड़ी को टाइटली पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड देखा है बच्चे, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारे एक दो से ज्यादा बच्चे होंगे ना तब भी ये काफी अच्छा होगा क्योंकि तुम्हें इतनी एनर्जी है। सो तभी ये बात सुनकर हम देखते हैं जो शियाओचू होती है वो यहाँ पर शर्मा जाती है और शर्माते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा आखिर आप ये अचानक से क्या बोल रहे हो हाँ, अभी हम बच्चे हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हम यहाँ पर बच्चे पैदा करने की बातें करें हाँ। शूफेई तो भैया उन चीज़ की ये बात सुनकर नोज ब्लीडिंग करने लगता है और सोचता है कि क्या सीनियर सिस्टर के साथ एक बच्चा क्या बात होगी। सो यहाँ पर उसके दद्दू को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने कान में उंगली डालकर बोलते हैं, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता लेकिन भगवान ही जानते हैं कि आखिर मेरे पास कितना वक्त बचा हुआ है, कब मैं भगवान को प्यारा हो जाऊँ। उसके बाद वो अपने कान की गंदगी निकाल कर बाहर फेंकते हुए बोलते हैं, इसीलिए बच्चे तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा
उसके बाद शियाचू के दद्दू शूफे से बोलते हैं, मैं तुम्हारी शादी अपनी प्यारी पोती शियाचू के साथ करवाने के लिए तो राजी हो गया हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह इस दुनिया में से किसी से भी ज्यादा करती है, यानी कि तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करती है इस दुनिया में। ये बात सुनकर शूफे सोचता है कि सीनियर सिस्टर सच में आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। एंड दूसरी तरफ जो दद्दू होता है वो बोलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे एक वादा करो। उसके बाद शियाचू का दद्दू थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, वादा ये होगा कि तुम्हारा और शियाचू का जो एक बच्चा होगा ना, उसका सरनेम तुम शिया रखना आने वाले फ्यूचर में, और वही बच्चा जिसका सरनेम शिया होगा वो शिया फैमिली को संभालेगा, समझे। हम देखते हैं शूफेई उनकी ये बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद जो शूफेई होता है वो अपनी मुट्ठी बांध लेता है, और उसके बाद वो बोलता है, अच्छा ठीक है। एंड वो बोलता है, ग्रैंडपा मैं आपसे वादा करता हूँ। उसके बाद जो शियाचू के दद्दू होते हैं वो यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हैं, एंड दूसरी तरफ वो अपने बेटे और बहू से बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ पर ऐसे ही खड़े मत रहो, जाओ गेस्ट को संभालो, उन्हें एंटरटेन करो। सो शियाचू के मम्मी पापा बड़े ही घबराते हैं, बोलते हैं कि ठीक है हम समझ गए। उसके बाद शियाचू के दद्दू शूफे से बोलते हैं कि बच्चे तुम उनसे नफरत मत करना। यहाँ पर वो शियाचू के मम्मी पापा की बात कर रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं कि क्योंकि वो हमारी फैमिली है और मेरे काफी ज्यादा ताकतवर होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ लेना देना तो है ही, है ना। सो शूफेई यहाँ पर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। एंड उसके बाद शियाचू के दद्दू से कुछ भी नहीं बोलते। एंड उसके बाद शायद से जो शूफेई होता है वो गाड़ी में बैठकर वापस आने लगता है, और बैकग्राउंड में से हमें शियाचू के दद्दू की आवाज आती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यानी कि तुम अब घर वापस जा सकते हो। और मुझे एक बात सच में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि शियाचू आखिर तुम्हें इतना पसंद क्यों करती है। उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो शूफेई किराए से रहता है, और हमें बैकग्राउंड में से ली जियाशू की आवाज आती है कि मुझे सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उस बाद हम ली जियाशू को देखते हैं जो खाना तो खा रही थी, लेकिन उस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में भी थी, और वो फोर्थ ब्रदर से बोल रही थी कि गाओ यांग मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जो लड़का है ये किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा। यहाँ पर वो बात कर रही है शूफेई के बारे में, क्योंकि उसने सभी के सभी वहाँ पर लोगों को धो दिया था। यहाँ पर जो फोर्थ ब्रदर होता है वो बोलता है, सच में जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम बहुत ज्यादा खाना खाती हो। सो ली जियाशू गुस्से में बोलती है कि तुम्हारा इसमें कोई बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। शूफेई उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद जो फोर्थ ब्रदर है वो बोलता है, अच्छा तो ये सभी सीनियर सिस्टर ने प्लान किया हुआ था। उसके बाद जो शियाचू है वो बोलती है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम दोनों को काफी ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं किसी ना किसी को यहाँ पर भेज दूंगी जो तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत किया करेगा, कोई भी यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर जूनियर ब्रदर तुम्हारे साथ नहीं होंगे उस वक्त भी। शूफेई ये सारी की सारी बातें सुन रहा था। एंड उसके बाद जो फोर्थ ब्रदर होता है वो बोलता है, वैसे मुझे नहीं लगता कि जो गाओ यांग है वो इस बार अपनी फैमिली की मदद के बिना जेल से जल्दी वापस आ पाएगा, और तुम अगर तुमने आने वाले फ्यूचर में सीनियर सिस्टर को धोखा दिया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, समझे तुम। सो शूफेई फोर्थ ब्रदर की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। एंड उसके बाद शूफेई बोलता है, अगर मैंने कभी भी अपनी सीनियर सिस्टर को धोखा दिया, उसके बाद शूफेई बोलता है, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। एंड उसके बाद बैकग्राउंड में से मतलब उसी की आवाज़ आती है शूफेई की कि मैं अपनी सीनियर सिस्टर का हमेशा साथ दूंगा और उन्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। एंड सो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सो तुम लोग अपने अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या लगता है, शूफेई क्या शेंगनेन को छोड़ देगा या फिर वो शेंगनेन के साथ भी रहेगा और यहाँ पर शियाचू के साथ भी रहेगा, दोनों की उसकी अलग अलग दुनिया में अलग अलग बीवियां होंगी। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। एंड सो तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस सीरीज के और भी कई सारे एपिसोड्स आने वाले हैं। एंड इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।